नमस्कार, मैं ईशा आपका स्वागत करती हूँ वॉइस ऑफ इंडिया न्यूज़ चैनल में। आज हम आए हैं तिलक नगर विधानसभा के डबल स्टोरी के हरजन कॉलोनी में, जहाँ जानेंगे कि वहाँ की एमसीडी व्यवस्था क्या है। क्या इन 5 सालों में एमसीडी द्वारा कोई काम किया भी गया है या नहीं किया गया है? क्या मुसीबत के समय, बारिश के समय क्या यहाँ के काउंसलर आते हैं उनकी देखभाल करने के लिए? क्या कोई कर्मचारी यहाँ पर काम करता है या नहीं? आइए जानते हैं लोगों से सीधा, यहाँ पर किस तरह की समस्या एमसीडी और क्या काम किए गए इन 5 सालों में। 5 सालों में देखो, निगम पार्षद तो यहाँ आज तक आए नहीं। जब से हमारे यहाँ पर काउंसलर बने हैं बीजेपी के, उन्होंने कोई भी ऐसा कोई काम नहीं कराया जिससे हमें संतुष्टि हो। हमारी सीवर लाइन से लेकर हमारी जो ड्रेन है बरसाती, इसके अंदर अंदर जो भी टी हट्स के अंदर जो भी नाली है वो कुछ नहीं बनी हुई, सब ब्लॉकेज है। और अंदर तकरीबन पीने की पानी की लाइन भी नहीं गई हुई है और सीवर लाइन हमेशा भरे रहते हैं। पार्कों का हाल बहुत बेकार है, हर जगह मतलब गंदगी गंदगी। और हमारे यहाँ खत्ता ऐसा बना हुआ है बहुत बड़ा, इसको कभी भी ठीक नहीं कराते, हमेशा यहाँ पे गंदगी ही रहती है। हमारे यहाँ ये ढाल है, देख लो इसकी हालत देख लो। हमारे यहाँ कम से कम 10 दिन में कूड़ा उठता है, कल रात को उठा है यहाँ 10 दिन में। ये ढाल की हालत देख लो। और पानी की तो बहुत बड़ी समस्या, पानी यहाँ 24 घंटों में से 1-1.5 घंटा पानी आता है। यहाँ तो जी सारी समस्या है, पानी की समस्या सबसे बड़ी। तो हम अपनी लाइन चेक कर रहे हैं, पानी तो आता नहीं है इधर। पानी 1 महीने तो ऊपर हो गया, पानी आता नहीं, पानी का कोई टाइम नहीं आता है, तो 10-5 मिनट के लिए आता है, बाकी पानी आता ही नहीं। तो फिर आपकी जो पानी की समस्या है कैसे हल करते हैं आप लोग, कहाँ से लाते पानी? पानी बाहर से लाते हैं, जैसे अभी ये बच्चे भर के ला रहे थे, आपने देखा था अभी, तो बाहर से कहीं से लाते हैं बोरिंग वोरिंग का पानी। मेरे पास बहुत सारी ऑनलाइन रिटर्न में कंप्लेन है जिसकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है और ना कोई काम होता है हमारा, खासकर पार्क के अंदर, हमारी नाली के अंदर। वहाँ की जो काउंसलर, उनको खुद मैं पर्सनली उनको दिखा के आया हूँ, जहाँ से अभी आप आए वो खुद दिखा के आया हूँ। उन्होंने देखने के बाद बोला कि हम करवा देंगे, आज उस बात को भी 2.5 साल हो गया, कुछ भी काम नहीं हुआ। जैसे कि आपने देखा ये पानी है जो इनके पास आता है, ये समझ सकते हैं आप किस तरह से ये पी रहे हैं। अगर ये पानी आ रहा है ये इतना गंदा जो पीने के लायक भी नहीं है, जानते इन्हीं लोगों से मैम बताएंगे ये जो पानी है, इस तरह का पानी जब आता है तो फिर आप लोग पीते कहाँ से पानी? मैम वहाँ से खरीद के लेके आते पानी पीने के लिए। तो फिर तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाता होगा। कॉस्टली और क्या, इतनी तो इनकम भी नहीं है, वैसे लॉकडाउन चल रहा है। इसी के अंदर रिसाव होता पानी का, और वही पानी हम नहाते धोते हैं, सब कुछ कपड़े लत्ते जो भी होते हैं इसमें धोते हैं। ये मतलब रिसीव यहाँ से आता है ये पानी, ये नाली रही यहाँ से यहाँ आता है, इसी के अंदर जाता पूरा पानी। ये बारिश का पानी और निकासी तो है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं, पानी भर जाता है, नाले साफ नहीं होते हैं। इतना पानी जब बारिश होती है, आधा घंटा बारिश हो जाए तो यहाँ खड़ा नहीं हुआ जाएगा, और इतने नाले पानी भर जाता है, घरों में पानी बढ़ जाता है, चीज़ें खराब होती हैं, नरक में हो गया, हमारे को गुजरना पड़ता है। दिल्ली जल बोर्ड वालों को 1000 बार कह रहे, मैं ये बोला है कि भाई खोल दो, कह रहे हैं कि लैंड डेड है। इससे तो बच्चों का घर से निकलना भी मुश्किल हो, मुश्किल है। बोल दिए, देखो ना आप, इधर देखो, इधर करो, ये देखो, इधर देखो, आगे जाके देखो, नाली का घरों में पानी घुस रहा, इतनी टेंशन है नाली की बहुत ही ज्यादा है, और पानी की तो पूछो ही ना, पानी जो जावे थी तो ना भर जाए, इधर घरों में तो 4-5 घरे से यहाँ खूब पानी भर जाता। बेटा बहुत भरी नाली हमारी, हमारी बांटी भी तैरती है पानी में, देखो चल गया, बहुत दिक्कत है बेटा, पीने का पानी नहीं है यहाँ पर, बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है पीने। कहीं कहीं से ला रहे, कहीं कहीं से मांग मांग के पानी ला रहे बेटे, रेडन में ला रहे, खींच खींच के पानी। यहाँ के पार्षद का नाम है श्वेता सैनी, अभी वो 2 हफ्ते पहले यहाँ पर आए थे संडे को, किसी और के थ्रू यहाँ पर आए थे, उन्होंने बोला था हम यहाँ पर काम करवा देंगे। आज लगभग 15 दिन हो गए ना, तो लाइट लगी है, और पार्क के अंदर पेड़ लगाने के लिए वो आए थे, पेड़ लगाकर चले गए, मगर पार्क के अंदर पानी देने के लिए मोटर ख़राब है, पानी चलता नहीं है, कोई यहाँ पर माली नहीं है, कोई सफाई करने वाला नहीं है पार्क के अंदर, सिर्फ आए थे पेड़ लगाया, फ़ोटो खिंचवाई और चले गए। उसके बाद कोई यहाँ पर नहीं आया पूछने के लिए, यहाँ पर मालियों के नंबर लिखे हुए बाहर, माली को फ़ोन करो कोई माली नहीं होता, कोई काम का सफाई करने वाला नहीं होता, सिर्फ फॉर्मेलिटी है और कुछ नहीं है। पार्क है ना हमारे, वो मेंटेन ही नहीं है, ना तो उसे कोई करना चाहता, और हमने कई बार सोचा भी है कि चलो निगम पार्षद जी से बात करके, वो यहाँ गौर ही नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे ना ही साफ़ सफाई का मेन मुद्दा होता है काउंसलर का, कि पारिकों को अच्छा बनाया जाए, ना तो पारिकों में पेड़ है ना हमारे साफ़ सफाई है। जो लाइटें लगी हुई है हर जगह डार्कनेस है, कोई यहाँ पर वो नहीं है कि हर जगह लाइट लगी हो,
जब भी हम कंप्लेंट डालते हैं रिटर्न में लिख के दे के आते हैं, वो सब यही कहते हैं हमारे पास बजट नहीं है। 5 सालों में कुछ काम नहीं हुआ, कत्ता ऐसा कर दिया था जैसे सारी दुनिया का कूड़ा यहीं पे आने लगा हो। क्या आपने पार्षद जी को यहाँ के बताया कि हमारे इस तरह की पानी की समस्या? नहीं बोला था, वो कह रहे कि लाइन टूटी हुई है, हर बार यही होता, कहते लाइन टूटी हुई है, लाइन टूटी हुई है, और वो हमारी कंप्लेंट नहीं लेते। सबसे बड़ी बात कहते हैं झुग्गी वालों की कोई कंप्लेंट नहीं होगी सीवरों की, कहते हैं झुग्गी इलीगल है, तो झुग्गी वालों से वोट क्यों मांगते हैं? ये बहुत गलत हो चुका है यहाँ पर, और हमारी कोई भी सहायता नहीं करते, ना काउंसलर करते हैं, ना हमारे MLA करते हैं यहाँ पर। हाथ भी जोड़ेंगे, पैर भी छुए, सब कुछ करते हैं बेटा। जब तक सब कुछ करेंगे, हाथ जोड़े, पैर छुए, वोट दो, और वोट दे लें फिर उसके बाद में तो फिर भूल जाते हैं। शिकायत की है, बहुत बार शिकायत की है, बहुत बार मिलकर भी आए हैं। हमारे बीच में एक लाइट लगी हुई है, ये हाई मास लाइट लगी हुई है, ये लाइट का कोई माई बाप नहीं है, ना तो MLA के अंडर में, ना काउंसलर के अंडर में। मैंने PGMS पे, दिल्ली गवर्नमेंट पे, और LG की वेबसाइट पर, और इनकी SDMC 311 की जो एप्लीकेशन है, सबके ऊपर कंप्लेंट डाली है। इस लाइट का कोई माई बाप नहीं है, ये कहते हमारे अंडर में नहीं है। वो कहता है कि ये MCD के रोड पे, वो कहता है PWD के रोड पे, मगर कोई लाइट ठीक करवाता नहीं है, और सारी लाइटें ऐसे ही खराब है। तो क्या आप चाहते जो आने वाले चुनाव है उसमें कोई नया चेहरा मिले, या फिर से पुराना ही? नया चेहरा ऐसा होना चाहिए ना, यूथ का होना चाहिए नया चेहरा, कोई ओल्ड नहीं होना चाहिए, यूथ होनी चाहिए जो कि यूथ के साथ मिलके चले। स्पेशली इन लोगों का कहना है कि मुंह ढकने वालों से बात नहीं करनी, मगर इनके यहाँ पे पर्दा प्रथा चलती है। सबसे बड़ी बात, लोगों का घर का कूड़ा यहाँ आता है और यहाँ डाला जाता है, जिससे काफ़ी समस्या होती है। जैसे कि आप देख सकते हो कूड़ा घर से बाहर, कूड़ा घर का क्या हाल है आप देख सकते हो किस प्रकार से, और MCD ने क्या व्यवस्था कर रखी है यहाँ की। 10 दिन पे एक बार यहाँ से कूड़ा उठाया जा सकता है, तो समझ सकते हैं 10 दिन में कितना कूड़ा जमा हो जाता है। और एक क्षेत्र का कूड़ा यहाँ पे आना और 10 दिन बाद उठना, आप समझ सकते हो, इस बात का अंदाजा लगा सकते हो कि किस तरह की समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं यहाँ पे। जैसे कि आपने देखा, पानी से लेके सीवर लाइन, नाली, कूड़ा, सफाई, इस तरह की सभी समस्या से जूझ रहे हैं ये डबल स्टोरी के हरजन कॉलोनी। ऐसे ही तमाम क्षेत्र की जानकारी के लिए, MCD की व्यवस्था को जानने के लिए आप जुड़े रहिए वॉइस ऑफ इंडिया न्यूज़ चैनल से। धन्यवाद।